गर्म के मौसम ने दस्तक दे दी है। गर्मी के दिनों बढ़े हुए तापमान से खुद को सुरक्षित करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गर्मियों में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, सनबर्न और हीट रैश जैसी समस्याओं का खतरा हमेशा बना रहता है। हालांकि अच्छे डाइट प्लान और हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाकर आप इन हेल्थ प्रॉब्लम से खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। लोकल 18 से बात करते हुए कोठी सीएससी में पदस्थ डॉक्टर मयंक तिवारी ने बताया कि गर्मी के दिनों में जो सबसे प्रमुख समस्या होती है वह सूर्य की किरणें हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों जब सूर्य की किरणें बहुत तेज हो जाती हैं तो प्रकृति में नमी की बहुत कमी आ जाती है, यानी जलीय अंश की कमी हो जाती है, और जब प्रकृति से जलीय अंश में कमी होती है तो हमारे शरीर से भी इन चीजों की कमी होने लगती है। ऐसे में हमें अपने लिए ऐसा डाइट प्लान करना चाहिए जिसमें जलीय अंश की अधिकता हो, जो आसानी से सुपाच्य हो, क्योंकि गर्मी के दिनों हमारी जो पेटाइट है वो काफी वीक हो जाती है, इसलिए हमें जलीय अंश वाली डाइट का प्लान करना। तो आइए डॉक्टर मयंक तिवारी से ही जानते हैं कि हमें गर्म के दिनों किस तरीके की डाइट प्लान करनी चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर मयंक तिवारी है, मैं संविदा आयुष चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीएससी कोठी में पदस्थ हूँ। देखिए, गर्मियों की ऋतु में सबसे जो प्रमुख समस्या होती है कि जब सूर्य की किरणें बहुत तेज हो जाती हैं तो प्रकृति से स्निग्धता और नमी या जलीय अंश की बहुत कमी हो जाती है, और जब प्रकृति से कमी होती है तो हमारे शरीर से भी इन चीज़ों की कमी होती है। तो सर्वप्रमुख हमको ये करना चाहिए कि हमें ऐसे आहार और विहार या ऐसी डाइट का प्लान करना चाहिए जिनमें जलीय अंश और स्निग्धता ज़्यादा हो और साथ में सुपाच्य हो, क्योंकि इस ऋतु में हमारी जो जठराग्नि या कह लें या एपेटाइट कह लें वो काफ़ी वीक हो जाती है। तो हमको जलीय अंश वाले फल जैसे कि तरबूज है, संतरा है, मौसम्मी है, नारियल का पानी है, ऐसी चीज़ों का मात्रा में अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। साथ ही कोशिश हम ये करें कि फलों का ही सेवन करें, जूस की जगह पर सीधे फल लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम सीधे फल लेते हैं तो उससे हमें लिक्विड डाइट तो मिलती ही है, साथ में फाइबर भी अच्छा शरीर में जाता है। और दूसरा दही है, मट्ठा है, आम का पना, ऐसी चीज़ों का हम ज़्यादा सेवन करेंगे तो हमें न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलेगा और जलीय अंश भी ज़्यादा शरीर में जाएगा हमारे।